again in this problem you have to find the acceleration and tension in the strings, and B, what is force exerted by clamp on pulley A and total reaction at clamp A. ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि डिफरेंट टेंशन टेंशन पहले हम लोग ये करें. सपोज ये इसमें टेंशन इस स्ट्रिंग में टेंशन है हमारा T1 राइट. स्ट्रिंग में टेंशन है T1 तो ये हो जाएगा हियर T1 और यहाँ पर हो जाएगा T1. सो हियर अगर ये T2 करें तो T2 इज इक्वल टू 2T1. ये तो ऐसे ही हो जाएगा हमारा. सेकंड अगर मान लेते हैं कि लेट A इज एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, टू ए मास के ब्लॉक का एक्सीलरेशन A है. तो ये अगर x डिस्टेंस जाएगा तो देखिए पुली भी x जाएगी और तब यहाँ से ये x और x 2x, तो ये कितना फ्री होगा 2, तो इसका एक्सीलरेशन 2a होगा. यू पॉज द वीडियो एंड थिंक योरसेल्फ कि अगर इसका एक्सीलरेशन a होगा तो इसका 2a होगा. और जैसा कि हम ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए कि इसमें हम रिलेशन निकाल दें तो सबसे पहले आपका रिलेशन तो ये हो ही गया कि दिस ये T1 है तो T2 इज इक्वल टू 2T1 राइट. अब अगर इसकी बात हम करें 2T इज इक्वल टू 2T1 तो अगर इस बॉडी को हम इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें कि इसका एक्सीलरेशन A1 है और इसका एक्सीलरेशन A2 है तो A1 A2 में क्या रिलेशन होगा. तो देखिए आप सीधे बात कर लीजिए इसका T2 कितना है 2T1, इसका टेंशन कितना हो जाएगा दिस इज 2T1 और इसी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो इनटू ए और ये क्या हो जाएगा. देखिए इसका टेंशन ऊपर है और एक्सीलरेशन नीचे तो माइनस ये कितना हो जाएगा T1 इनटू A2 दिस इज इक्वल टू 0. अब देखिए T1 कैंसिल हो गया यहाँ से क्या हो जाएगा वी हैव A2 इज इक्वल टू 2A वी हैव A2 इज इक्वल टू 2A या 2A1 A2 इज इक्वल टू 2A1 राइट. तो ये रिलेशन आ गया हमारा कि A2 होगा अगर ये A1 A होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2A राइट. तो इस तरह से हम कॉन्स्टेंट रिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों में. तो अब चलिए नाउ कम टू फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी और इक्वेशन लिखना शुरू करें. सबसे पहले हम चाहेंगे इसका इक्वेशन लिखना. देखिए इस मास का m का तो देखिए यहाँ पर एक क्या फोर्स काम करेगा इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा राइट. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा देखिए mg माइनस T1 इज इक्वल टू m इनटू 2a. तो ये है mg माइनस T1 इज इक्वल टू m इनटू 2a. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ठीक है. तो अब ये देखिए T1 और T2 में क्या रिलेशन हो जाएगा. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं यहां से कि देखिए दिस इस पुली का अगर इक्वेशन लिखे तो पुली तो मासलेस है तो क्या हो जाएगा. देखिए आपको यहां पर सीधे हम करते हैं कि दिस T2 माइनस ये T2 है इधर माइनस 2T1 इज इक्वल टू पुली मासलेस है तो मास इसका 0 हो गया 0 इनटू ए 0 तो वी हैव कितना हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 2T1 इसकी जरूरत नहीं है राइट. तो अभी चलिए सेकंड इक्वेशन अगर 2m का करेंगे इसका वर्टिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है तो T2 कितने के बराबर T2 इज इक्वल टू 2m इनटू a 2m इनटू a तो दिस देखिए वी हैव T2 इज इक्वल टू हाउ मच दिस 2m इनटू a दिस इज इक्वेशन नंबर. और इस T2 को हम लोग लिख सकते हैं सीधे 2T1 राइट. T2 को लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2T1 तो आप डायरेक्टली यहीं से 2T1 लिख दीजिए दिस इज 2T1 2T1 इज इक्वल टू 2m इनटू a. और देखिए इन दोनों से सॉल्व करना है हमको तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं राइट. T1 को इलिमिनेट करना है पहले तो क्या करें हम T1 को इलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से
इंटू टू कर दिए और ऐड कर देंगे तो ये 2t1 ये कैंसिल हो जाएगा राइट। इधर में क्या बचेगा, ट्वाइस एम जी, देखिए यहाँ पर क्या बचा, आपका बचा 2 से मल्टीप्लाई किए तो दिस इज ट्वाइस एम जी इज इक्वल टू, और ये देखिए कितना हो गया, ये 2 है और 2ma से मल्टीप्लाई हो गया तो 4ma 2ma दिस इज 6ma, m से m कैंसिल हो गया तो वी हैव a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g/6 दैट इज g/3, वी हैव a इज इक्वल टू g/3, a का वैल्यू आ गया g/3, तो t1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए यहां से इक्वेशन 2 से हम सीधे ये करें, वी हैव t1 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज m इंटू a, m इंटू a, a का वैल्यू कितना है g/3, सो वी हैव t1 इज इक्वल टू mg/3 राइट। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से सीधे इक्वेशन, अब यहां से हमको सेकेंड पार्ट जो है इसका, देखिए बहुत कंसेप्चुअल है सेकेंड पार्ट, ये दिया हो कि व्हाट इज फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए राइट। इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए, अगर हम पुली ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, देखिए ये पुली ए है, इस पुली ए का फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं, दिस इज पुली ए राइट, दिस इज पुली ए, तो देखिए एक यहाँ पर टेंशन लग रहा है टी ई डायरेक्शन में T1 राइट, और दूसरा टेंशन यहाँ पर लग रहा है T1, यहाँ पर दोनों टेंशन 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो यू कैन राइट फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड बाय पुली ए ऑन क्लैंप, देखिए हमको निकालना कि फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ए, ये दिस इज द क्लैंप और ये कितना फोर्स एग्जर्टेड है पुली पर वो कैलकुलेट करना है, तो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यू कैन फाइंड कि फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए विल बी इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड बाय पुली ऑन क्लैंप ए, सो देखिए फोर्स एग्जर्टेड बाय पुली ऑन क्लैंप ए, देखिए यहां से दिस इज फोर्स एग्जर्टेड बाय पुली ऑन क्लैंप ए, ये कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट होगा एंड ऑफ कोर्स ये दोनों टेंशन 90 डिग्री पर हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों वेक्टर एडिशन अगर करेंगे तो ये केस हो गया ऐसा, कैसा हमारा कि दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर है, एक वेक्टर ऐसे है और यहां से 90 डिग्री पर एक दूसरा वेक्टर है, तो ऑफ कोर्स दिस इज T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर राइट, T1 स्क्वायर और ये भी T1 ही है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना √2T1, सो दिस विल बी द आंसर। नाउ व्हाट इज रिएक्शन एट सपोर्ट पॉइंट, तो देखिए अब टोटल रिएक्शन की जब बात करेंगे तो देखिए यहां से टोटल रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन देखिए एक क्लैंप की बात करते हैं, एक क्लैंप पर तो पुली पर, पुली का तो ये फ्री बॉडी डायग्राम था देखिए, लेकिन देखिए यहां पर ये क्लैंप पर एक अलग से रोप लगी हुई है, तो इस क्लैंप पर एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन T1 इधर लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउ टोटल रिएक्शन ऑन क्लैंप फोर्स एक्टेड बाय पुली ऑन क्लैंप, टोटल रिएक्शन कितना हो जाएगा, टोटल रिएक्शन ऑन क्लैंप ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको यहां पर हम कर देते हैं टोटल रिएक्शन ऑन क्लैंप, अगर यहां पर ये करें तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो रहा है, इस क्लैंप की अगर पॉइंट ले तो यहां पर फोर्स देखिए ये T1 और T1 इधर 2T1 लग रहा है, 2T1 ही डायरेक्शन में लग रहा है और T1 वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो T1 ऐसे, नाउ दिस विल बी द टोटल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल रिएक्शन ऑन क्लैंप R विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, ये दोनों 90 डिग्री पर है तो दिस इज 2T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर राइट, तो ये कितना हो जाएगा 4T1 स्क्वायर 5T1 स्क्वायर, तो दिस विल बी अंडर रूट 5T1, दिस विल बी द आंसर।
और T1 का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे तो यू कैन फाइंड द आंसर.